वन क्यू टन डॉट वन क्यू इन क्यू टनलिंग। हाँ जी ये देख, डॉट वन क्यू इन क्यू टनलिंग। अब देखो क्या होता है, यहां पे ना मेरा एक नेटवर्क है जहां पे कुछ स्विचेस कनेक्टेड है, एक मेरा लैन है, यहां पे एसटीपी चल रहा होगा, वीटीपी चल रहा होगा, वीलैन बने होंगे, आपस में लैन यूजर कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही कुछ यहां पे एक डिफरेंट लोकेशन में हमारा एक और ऑफिस है, इसी कंपनी का एक और ऑफिस है, और वहां पे भी कुछ स्विचेस कनेक्टेड है, और वो भी आपस में एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है, क्लियर है। ये दो ऑफिसेस हैं, एक ये बैंगलोर लोकेशन में है और ये आपका दिल्ली लोकेशन में है। अब नॉर्मली क्या करते हो, नॉर्मली इन दोनों ऑफिसेस को आप क्या करोगे, एक दूसरे से कनेक्ट करोगे, तो कैसे कनेक्ट करोगे, वैन से कनेक्ट करेंगे आप इसको, दोनों ऑफिसेस को आप किससे कनेक्ट कर लोगे, वैन से कनेक्ट कर लोगे आप, है ना। बट आपने एक चीज देखी होगी, यहां का जो लेयर टू ट्रैफिक है ना आपका, वो लेयर टू ट्रैफिक आपका इस वैन को क्रॉस नहीं करता कभी भी, जो लेयर टू ट्रैफिक होता है तुम्हारा, जैसे सीडीपी के मैसेजेस हो गए, वीटीपी के मैसेजेस हो गए या डीटीपी के मैसेजेस हो गए, वो कभी भी अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करते, अपने लोकल एरिया नेटवर्क को कभी भी क्रॉस नहीं करते। कभी राउटर के पोर्ट से डीटीपी के मैसेजेस क्रॉस होते देखे आपने, नहीं। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका एक राउटर अटैच होगा, ठीक है, ये जो भी आपके डीटीपी सीडीपी के वीटीपी वगैरह के जो भी मैसेजेस अगर राउटर के पास में आ भी रहे हैं, अगर एसटीपी के मैसेजेस आ भी रहे हैं, तो राउटर उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करता, क्योंकि एक्चुअली राउटर क्या करता है, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करता है, और वो फ्रेम जो आपके रिसीव होंगे या फिर मल्टीकास्ट रिसीव हो रहे होते हैं या ब्रॉडकास्ट रिसीव हो रहे होते हैं, जो भी जैसे भी रिसीव हो रहे होता है, मतलब जो आपका लेयर टू ट्रैफिक है वो इस डोमेन से नेक्स्ट डोमेन में नहीं जाएगा, इसका लेयर टू ट्रैफिक इसी ऑफिस में रहेगा, इसका लेयर टू ट्रैफिक इसी डोमेन में रहेगा, तुम्हारा इसी ऑफिस में रहेगा, जो हमारे सीडीपी डीटीपी एसटीपी के मैसेजेस है वो आपके क्रॉस नहीं होते, वो अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करते, तो इनके मैसेजेस L2 मैसेजेस इधर भी नहीं आएंगे, लेयर टू ट्रैफिक तुम्हारा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने इस LAN नेटवर्क को क्या करना है, एक्सटेंड करना है, हमने क्या करना है, इस LAN नेटवर्क को एक्सटेंड करना है, मैंने इस लेयर टू को और इस लेयर टू को क्या करना है, मर्ज करना है, तो हम लोग वो मर्ज करवा सकते हैं, और मर्ज करवाने के लिए हमारे पास में क्या है, डॉट वन क्यू इन क्यू टनलिंग का एक कॉन्सेप्ट है, बात करेंगे अभी इसके बारे में हम लोग। हाँ जी सर, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, कभी भी जो आपका लेयर टू ट्रैफिक है वो कभी भी वैन क्रॉस नहीं करता, अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करता है लेयर टू ट्रैफिक, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे, इस नेटवर्क को और इस नेटवर्क को अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, मर्ज करने वाले हैं, ताकि आपका लेयर टू ट्रैफिक इधर चला जाए और यहां का लेयर टू ट्रैफिक यहां पे भी आ पाए। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे वीटीपी चल रहा है, तो यहां पे आप कोई भी वीलैन कॉन्फिगर करो, यहां पे वीटीपी मोड एक सर्वर पड़ा हुआ है, और वो वीटीपी के मैसेजेस इस डोमेन में भी आ जाए, तो यहां पे भी ऑटोमेटिकली वीलैन कॉन्फिगर हो जाए। समझ में आ रही है बात, जैसे आपने यहां पे एमएसटीपी चला रखा है, यहां पे भी एमएसटी चल रहा है, तो मैंने यहां पे कोई मॉडिफिकेशन करनी है एमएसटी के अंदर, तो यहां पे भी वो करनी है सेम मॉडिफिकेशन, तो अब ये नहीं है मैं दोनों ऑफिसेज में जाके वो कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, नहीं, यहां पे वीटीपी वर्जन 3 भी चल रहा होगा, मैं एक सर्वर मोड बना हुआ है वीटीपी वर्जन 3 के लिए, मैं वहां पे कुछ भी मॉडिफिकेशन करूंगा, और वो वीटीपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, एमएसटी कॉन्फ़िगरेशन को भी क्या करवा देगा, प्रोपोगेट करवा देगा। तो हम लोग कैसे कम्युनिकेशन करवाएंगे, कैसे इस नेटवर्क को मैनेज मर्ज करेंगे, मर्ज करने के लिए यहां पे वैन पे क्या होगा, वैन पे एक टनल बनेगी, इन दोनों के बीच में क्या बनेगी, एक टनल, और इस टनल को हम लोग क्या बोलते हैं,
क्यू इन क्यू टनल, और इस क्यू इन क्यू टनल के थ्रू ही आपका जो लेयर टू ट्रैफिक है वो क्या होता है, पास होता है सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू। किसके थ्रू? सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू क्यू एन क्यू टनलिंग बन जाएगी। मतलब जो भी आपका ट्रैफिक इनकैप्सुलेटेड है किससे, 2-to-1 queue प्रोटोकॉल ने जिसको भी इनकैप्सुलेट किया, जिस ट्रैफिक को इनकैप्सुलेट किया है, वो सारा का सारा डेटा ट्रैफिक आप किससे कैरी करवा सकते हो, इस टनल से कैरी करवा सकते हो। जैसे आपका यहाँ पे जो सीडीपी मैसेज है, डीटीपी मैसेजेस है, उनको 2-to-1 queue प्रोटोकॉल क्या करता है, उनको जब ट्रंक लिंक पे फॉरवर्ड करता है तो क्या करता है, उनके साथ में एक 2-to-1 queue अपना टैग ऐड करता है। बट नॉर्मली 2-to-1 queue टैग ऐड करेगा नहीं, क्यों नहीं करेगा, जो मेरा कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक होता है वो किस विलेन से बिलोंग करता है, नेटिव विलेन से, विलेन वन के लिए करता है। तो उस केस में, और ये टनल जो है ये कौन से ट्रैफिक को कैरी करती है, जो ट्रैफिक आपका 2-to-1 queue ने जिसको क्या किया है, इनकैप्सुलेट किया है, जिस फ्रेम के साथ में क्या एक 2-to-1 queue का टैग ऐड है, उसी को क्या करवाएगा, वो कैरी करवाएगा। इससे क्या मतलब है, जो ट्रैफिक आपका 2-to-1 queue प्रोटोकॉल से क्या है, इनकैप्सुलेटेड है, उसी को क्या करेगा, वही ट्रैफिक क्या होगा, इस टनल से क्या होगा, कैरी करेगा। इतनी चीज क्लियर है? बट जो मेरा कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक है, कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक जब ट्रंक लिंक पे जाता है तो वो नेटिव विलन का ट्रैफिक होता है। तुम्हारा नेटिव विलन क्या होता है, विलन वन, और 2-to-1 queue विलन वन के लिए कभी भी टैगिंग परफॉर्म करेगा नहीं, और फिर वो ट्रैफिक तो आपका इस टनल इंटरफेस से जा ही नहीं पाएगा। प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो उस केस में हमें इन दोनों स्विचेस पे जो आपके एफ स्विचेस हैं, यहां पे आपके ट्रंक पोर्ट रहेंगे, उन ट्रंक पोर्ट पे जाके उन स्विचेस पे आपको 2-to-1 queue के नेटिव विलन के लिए टैगिंग परफॉर्म करनी क्या करनी पड़ेगी, स्टार्ट करवानी पड़ेगी, ताकि नेटिव विलन के लिए वो क्या परफॉर्म करे, टैगिंग परफॉर्म करे। तो ये जो मेरा एफ स्विच है, जब भी वैन की तरफ जो इसका लिंक रहेगा वो क्या रहेगा, ट्रंक लिंक रहेगा जो वैन से कनेक्टेड होगा स्विच का, तो उस ट्रंक पोर्ट से जो भी तुम्हारा लेयर टू ट्रैफिक भेजेगा, जो मेरा लेयर टू कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक है, वो जब भी फॉरवर्ड करेगा तो कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक किस विलन से बिलोंग करता है, नेटिव विलन, विलन वन से बिलोंग करता है। तो विलन वन के लिए मुझे वहां पे क्या करनी पड़ेगी, टैगिंग परफॉर्म करवानी पड़ेगी ना नेटिव विलन के लिए। और ये मेरा जो क्यू इन क्यू जो टनल है वो सिर्फ 2-to-1 queue ट्रैफिक को ही क्या करता है, जो 2-to-1 queue जो ट्रैफिक आपको आपका 2-to-1 queue से क्या है, इनकैप्सुलेटेड है, उसी को कैरी करता है वो। तो इसलिए मुझे यहां पे नेटिव विलन के लिए क्या करनी पड़ेगी, टैगिंग परफॉर्म करवानी पड़ेगी। तो हमारा वहां पे एक कॉन्सेप्ट था ना, नेटिव विलन के लिए टैगिंग करवाते हैं हम लोग, तो इस केस में भी वहां पे वो रिक्वायर्ड होता है, उसी एक्चुअली वो कमांड इसी के लिए है। एक विलन होपिंग का मैंने आप लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे मैंने आपको बताया था कि मैं 2-to-1 queue के लिए क्या कर लूंगा, नेटिव विलन के लिए मैं टैगिंग परफॉर्म करवा लूंगा, 2-to-1 queue टैगिंग परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन जब भी ट्रंक लिंक पे आपका लेयर टू ट्रैफिक जाएगा उनके साथ में 2-to-1 queue का टैग होना क्या हो जाएगा, ऐड होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट, तो लिंक पे कंजेशन होना भी तो स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां पे वो विलन होपिंग के लिए कोई वैलिड सॉल्यूशन नहीं है वो, कि मैं 2-to-1 queue प्रोटोकॉल को हम लोग बोले कि नेटिव विलन के लिए टैगिंग परफॉर्म करे, लिंक पे कंजेशन होना, ट्रंक लिंक पे कंजेशन होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां पे जो वैलिड सॉल्यूशन था उसका क्या था, वो जितने भी मेरे अनयूज्ड पोर्ट थे उनको हम लोग किसका मेंबर बना लेंगे, कोई भी एक बोगस कोई एक रैंडम विलन बनाएंगे उसका मेंबर बना लेते थे, तो वो उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन है। मैं वहां पे नेटिव विलन के लिए टैगिंग परफॉर्म नहीं करवाऊंगा। एक्चुअली नेटिव विलन के लिए कब टैगिंग परफॉर्म करवानी पड़ेगी, जब आपको आपके दो लैन आपने मर्ज करवाने और वो दो अलग अलग लोकेशन में है, वैन के थ्रू अगर उनको मर्ज करवाने, तो उस केस में वैन के थ्रू हम लोग किसके थ्रू मर्ज करवा सकते हैं, मेरे पास में कॉन्सेप्ट किसका है, क्यू एन क्यू टनलिंग का। और क्यू एन क्यू टनलिंग सिर्फ आपका जो ट्रैफिक 2-to-1 queue प्रोटोकॉल से इनकैप्सुलेटेड है उसी को कैरी कर पाता है। तो यहां पे आपको कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक के लिए क्या करना पड़ेगा, नेटिव विलन के लिए क्या करनी पड़ेगी, आपको टैगिंग परफॉर्म करवानी पड़ेगी। बात आ गई समझ में, इतनी चीज क्लियर है? ओके, अब ये कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है वो बात करते हैं। देखो यार, लेट्स सपोज ये हमारा वो सर्विस प्रोवाइडर है, ये हमारा वैन है,
और ये हमारी साइट है, इस साइट में एक स्विच अटैच्ड है, दो लगा लो, जो भी जितने भी स्विच लगाने आपने, ये दो आपकी साइट्स हैं अलग अलग लोकेशन में, ठीक है। और ये किससे कनेक्टेड होंगी, सर्विस प्रोवाइडर से। ये इसका स्विच वन है और यहां पे एक स्विच कनेक्टेड है स्विच टू। इन दोनों नेटवर्क को हमने क्या करना है, मर्ज करना है, अलग अलग लोकेशन में है ये। तो सर्विस प्रोवाइडर पे क्या होगा, सर्विस प्रोवाइडर पे भी दो स्विचेस कनेक्टेड होंगे, ये स्विच किसके हैं, सर्विस प्रोवाइडर के स्विचेस आएंगे, ठीक है। और ये एक्चुअली जो हमारे ये स्विच कनेक्टेड होंगे वो किससे कनेक्टेड होंगे, सर्विस प्रोवाइडर के स्विचेस से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। और यहां पे जो ये लिंक रहेगा हमारा, और वो जो क्यू इन क्यू टनलिंग बनेगी वो कहां पे बनेगी, इस सर्विस प्रोवाइडर पे बनेगी, कहां पे बनेगी वो, सर्विस प्रोवाइडर पे, ठीक है। और ये जो लिंक रहेगा हमारा, ये क्या रहेगा, ट्रंक लिंक रहेगा। और यहां पे भी ये भी जो लिंक रहेगा आपका क्या रहेगा, ट्रंक लिंक रहेगा। और यहां पे ये जो सेंट्रलाइज लिंक है इनके बीच में, उन सर्विस प्रोवाइडर के स्विचेस के बीच में जो लिंक है वो भी क्या रहेगा, एक ट्रंक लिंक रहेगा, ठीक है। और ये जो लिंक है आपके, ये लिंक और ये लिंक, ये रहेंगे हमारे एक्सेस लिंक, क्या रहेंगे, ये एक्सेस पोर्ट रहेंगे ये तुम्हारे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा वो बता रहा हूं, ठीक है। और इस पोर्ट को और इस पोर्ट को एक वीलैन का मेंबर बनाएंगे, जो कि ये देखो हमारे ऑफिसेस दो अलग अलग हैं, अलग अलग लोकेशन में, कंपनी तो एक ही है ना हमारी, अरे एक ही कंपनी है, एक ही कंपनी के दो अलग अलग ऑफिसेस हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, इस कंपनी के लिए एक वीलैन प्रोवाइड करवाएगा, क्या प्रोवाइड करवाएगा, एक वीलैन। तो इसके लिए वीलैन प्रोवाइड करवा दिया, कौन सा, लेट्स सपोज वीलैन नंबर 100। तो ये जो एक्सेस पोर्ट होंगे ना, जो इस कंपनी के दोनों ऑफिसेस कनेक्टेड होंगे, वो पोर्ट किस वीलैन का मेंबर रहेंगे, वीलैन 100 का मेंबर रहेंगे। इतनी चीज क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब होगा क्या, लेट्स सपोज यहां पे एक लैन यूजर है और यहां पे एक लैन यूजर है, अभी मैं डेटा ट्रैफिक फॉरवर्ड करवा रहा हूं एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में, उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका लेयर टू ट्रैफिक है वो कैसे जाएगा। ये है वीलैन, लेट्स सपोज 200 का मेंबर है और ये लैन यूजर भी वीलैन 200 का मेंबर है, ये एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेंगे, 10.1.1.1 आईपी इज हियर, 10.1.2.2 आईपी ऑन दिस लैन यूजर। ये इसका मैक एड्रेस है 0A, इसका मैक एड्रेस क्या है 0B। जब इस लैन यूजर ने इस लैन यूजर को कम्युनिकेट करना है तो एक पैकेट ओरिजिनेट करेगा, सोर्स आईपी विल बी दिस एंड डेस्टिनेशन आईपी विल बी 10.2 ऑन लेयर 2, सोर्स मैक एड्रेस विल बी 0A एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस विल बी 0B। डेटा फ्रेम आएगा इस पोर्ट पे, जब इस पोर्ट पे डेटा फ्रेम जैसे ही रिसीव होगा, एक कॉपी कहां पे भेज देगा, वो ट्रंक पोर्ट पे, और ट्रंक पोर्ट पे भेजेगा तो एक टैग नंबर ऐड कर देगा, कौन सा, एक डॉट वन क्यू का टैग ऐड कर देगा, टैग 200। इस टैग को हम लोग बोलते हैं सी टैग, क्या बोलते हैं, सी टैग, कस्टमर टैग, और ये फ्रेम आएगा इस ट्रंक पोर्ट पे। जैसे इस ट्रंक पोर्ट पे ये डेटा फ्रेम रिसीव होगा, डेटा फ्रेम रिसीव होते ही वो ये चेक करेगा कौन से पोर्ट पे डेटा फ्रेम रिसीव है, एक्सेस पोर्ट है ना, ट्रंक पोर्ट तो नहीं है। और एक्सेस पोर्ट पे जब भी डेटा फ्रेम रिसीव होता है वो उस टैग को रिमूव नहीं करता, कौन से टैग को रिमूव करेगा, अगर इस एक्सेस पोर्ट पे ये किस विलन का मेंबर है, विलन 100 का मेंबर है, अगर टैग भी कौन सा लग के आ रहा है, विलन 100 का टैग लग के आ रहा है, उस केस में वो टैग क्या करता है, अनटैग। अदरवाइज एक्सेस पोर्ट कोई और टैग लग के आ रहा है उसको रिमूव नहीं करता, नहीं करेगा ना रिमूव। तो ये क्या करेगा, एक कॉपी इस ट्रंक पोर्ट पे भेज देगा। अब इस ट्रंक पोर्ट पे जब भेजेगा इसकी एक कॉपी, तो पहले फ्रेम जब इसको स्विच को रिसीव हुआ था कैसा था, सोर्स आईपी ये था पैकेट में, डेस्टिनेशन आईपी ये था लेयर टू पे, सोर्स मैक एड्रेस 0A एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 0B, और एक
टैग लग के आया था कौन सा 200 का, तो इस ट्रंक पोर्ट पे जब डेटा फॉरवर्ड करेगा तो ये स्विच क्या चेक करेगा, सर्विस प्रोवाइडर का जो डेटा फ्रेम रिसीव हुआ है किस पोर्ट पे रिसीव हुआ है, एक्सेस पोर्ट पे, और किस वीलैन का मेंबर है, वीलैन 100 का मेंबर है। तो ट्रंक पोर्ट पे जब इसकी कॉपी फॉरवर्ड करेगा तो इस पे वीलैन 100 का टैग ऐड करेगा, बात आ रही है समझ में। और इस वाले टैग को हम लोग पता है क्या बोलते हैं, एक्चुअली यहां पे कस्टमर तक जब डेटा होता है ना तब उसको सी टैग, छोड़ो यहां पे इसको हम लोग बोलते हैं सी टैग, और ये आपका होता है पी टैग, प्रोवाइडर टैग, एस टैग बोलते हैं, सॉरी सर्विस प्रोवाइडर का टैग होता है एस टैग। अरे नॉर्मली ऐसा ही होगा ना, एक्सेस पोर्ट पे जब डेटा फ्रेम रिसीव होगा, जब इसकी कॉपी ट्रंक पोर्ट पे जाएगी तो टैग तो ऐड हो गई, जो डेटा फ्रेम रिसीव है किस पोर्ट पे रिसीव है, 0/ जो भी पोर्ट है, जब ट्रंक पोर्ट पे इसकी, और ये पोर्ट किस विलन का मेंबर है, विलन 100 का मेंबर है, एक कॉपी जब ट्रंक पोर्ट पर फॉरवर्ड करेगा तो उस विलन का टैग तो ऐड करके भेजेगा, भेज दिया टैग ऐड करके, क्यों इश्यू आएगा बता दो, कब आता है, इतना तो कॉन्सेप्ट आता ही होगा आप लोगों को, तो हो सकता है ना एक साइड में एक्सेस और एक साइड में ट्रंक, क्या इश्यू आएगा बताओ, क्या टैगिंग का दिक्कत आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नेटिव विलन मिसमैच का एक एरर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, देने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, वो भी सीडीपी प्रोटोकॉल के थ्रू आएगा एरर, देने दो, उसका क्या है। तो अब ये जब ट्रंक पोर्ट पे इसकी एक कॉपी फॉरवर्ड करेगा, इस ट्रंक पोर्ट पे जैसे ही डेटा फ्रेम रिसीव होगा, डेटा फ्रेम रिसीव होते ये आउटर टैग चेक करेगा, पहले वो इस टैग को क्या कर देगा, रिमूव करेगा, इस एस टैग को क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा, और एक कॉपी किस पोर्ट पे भेज देगा, अब इसको पता चल गया ना ये डेटा किस वीलैन से बिलोंग कर रहा है, विलन, अरे जैसे डेटा फ्रेम रिसीव होगा विलन 100 का आउटर टैग था उसको रिमूव करेगा, डेटा किस विलन से बिलोंग कर रहा है, विलन 100 से बिलोंग कर रहा है, तो सॉरी हाँ 100 से बिलोंग कर रहा है, तो एक कॉपी किस पोर्ट पे भेज देगा, जो पोर्ट विलन 100 का मेंबर है तो इस वाले पोर्ट पे कॉपी फॉरवर्ड कर देगा। अब जैसे ही इस ट्रंक पोर्ट पे डेटा फ्रेम रिसीव होगा, यहां पे भी डॉट वन क्यू प्रोटोकॉल चल रहा है, ये भी इस टैग को क्या करेगा, अनटैग करेगा, और देखेगा अब ये डेटा किस विलन से बिलोंग कर रहा है, विलन 200 से बिलोंग कर रहा है, तो एक कॉपी कहां पे भेज देगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, 0/ जिस पोर्ट पे कनेक्टेड है वो, और कम्युनिकेशन होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ये तो बात आ गई डेटा ट्रैफिक कैसे कैरी करेगा, अब बात करेंगे हम लोग लेयर टू ट्रैफिक कैसे आपका कैरी करेगा, यहां के सीडीपी मैसेजेस इस ऑफिस के दूसरे ऑफिस में कैसे कैरी करेंगे वो बात करेंगे। इतनी बात समझ में आई अभी तक जो मैंने बताया, ओके। अब कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक हमारा कैसे कैरी करेगा, ये था आपका डेटा प्लेन ट्रैफिक। अब देखो ये स्विच है आपका, ये स्विच क्या करेगा, अपना जो भी सीडीपी डीटीपी वीटीपी के मैसेजेस जनरेट करेगा, लेट्स सपोज इसने अपना एक सीडीपी का मैसेज जनरेट किया, तो सीडीपी जब मैसेज जनरेट करेगा तो इस पे सोर्स मैक एड्रेस भी अटैच होगा इसका, एक जो भी रहेगा सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस भी अटैच होगा, एक मल्टीकास्ट मैक एड्रेस, और इस ट्रंक पोर्ट से भेजेगा, तो जो भी मेरा कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक होता है वो किस वीलैन से बिलोंग करता है, नेटिव विलन से बिलोंग करता है, विलन वन से बिलोंग करता है, तो ट्रंक पोर्ट पे जब कॉपी जाएगी, यहां पे इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल जितने भी ट्रंक पोर्ट बनाए हुए हैं इन पे इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल कौन से यूज हो रहे हैं, डॉट वन क्यू, डॉट वन क्यू नेटिव विलन के लिए टैगिंग परफॉर्म कर नहीं रहा होता नॉर्मली, तो मुझे इसको बोलना पड़ेगा कि ये क्या करे, नेटिव विलन के लिए क्या करे, टैगिंग परफॉर्म करे, तो ट्रंक पोर्ट से जब भी अब डेटा कॉपी फॉरवर्ड करेगा तो एक विलन का डॉट वन क्यू का टैग ऐड कर देगा, किसका, विलन वन का। मेरा कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक किस विलन से बिलोंग करता है, विलन वन से, और अब आएगा ये डेटा फ्रेम किसके पास में, स्विच के पास में, स्विच के पास में जैसे इस पोर्ट पे डेटा फ्रेम रिसीव होगा, अब ये एक्सेस पोर्ट है, एक्सेस पोर्ट पे अगर फ्रेम 100 का लग के आता है और खुद 100 का मेंबर है उस केस में रिमूव करता है टैग, अदरवाइज ये टैग रिमूव नहीं करेगा, तो डेटा फ्रेम इस एक्सेस पोर्ट पे रिसीव हुआ एक कॉपी कहां पे भेज देगा, ट्रंक पोर्ट पे। अब ट्रंक पोर्ट पे जब डेटा भेजेगा तो इसको पता चलेगा ये डेटा किस विलन से बिलोंग कर रहा है, विलन 100 ना, इस वाले पोर्ट पे डेटा फ्रेम रिसीव हुआ सर्विस प्रोवाइडर के पोर्ट पे, ये पोर्ट किस विलन का मेंबर है, विलन 100 का मेंबर है, तो एक कॉपी जब ट्रंक पोर्ट पे फॉरवर्ड करेगा तो विलन 100 का क्या करेगा, एक टैग ऐड कर देगा,
और कॉपी फॉरवर्ड कर देगा किसकी तरफ, इस स्विच की तरफ, और जैसे ही इस ट्रंक पोर्ट पे डेटा फ्रेम रिसीव होगा इस टैग को क्या करेगा, ये अनटैग करेगा। इसको पता चल गया डेटा किस विलेन से बिलोंग कर रहा है, विलेन 100 से बिलोंग कर रहा है, तो एक कॉपी कहां पे भेज देगा, उस पोर्ट पे जो विलेन 100 का मेंबर है। और जैसे ही इस स्विच के पास में डेटा फ्रेम रिसीव होगा ये विलेन 1 का टैग क्या करेगा, रिमूव करेगा। इसको पता चल गया डेटा किस विलेन से बिलोंग कर रहा है, विलेन 1 से बिलोंग कर रहा है। और अब यहां पे उस फ्रेम को जब डिकैप्सुलेट करेगा उसको मैसेज किसका मिलेगा, एक सीडीपी का मैसेज मिलेगा। आपका सीडीपी का मैसेज कहां पे कैरी करके, दूसरे ऑफिस में। ऐसे आपके वीटीपी के मैसेजेस चले जाएंगे। सर्वर आप एक ऑफिस में बना लो, जो हमारे ब्रांच ऑफिसेज हैं उनमें क्या बना लो, आप सारी मशीन्स को क्या बना लो, सभी स्विचेस को क्लाइंट। और ऐसे ही आपका वीटीपी का ट्रैफिक कैरी करेगा विलेन 1 से। ऐसे ही आप एक रूट ब्रिज बना लो जो आपका एसटीपी के लिए, जो आपका किसमें है, हेडक्वार्टर में है, ब्रांच ऑफिसेज में जितने भी है वो क्या है, नॉन रूट ब्रिज है। बात आ रही है समझ में? तो आपका यहां पे जो पूरा जो नेटवर्क है वो क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा ना। प्रूफ करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, ठीक है। इतनी कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्यू इन क्यू टनलिंग वर्क कैसे करती है। ओके, अब देखो, अब एक और ऑफिस होता, कोई और कंपनी होती, एक और भी कंपनी है, उसके भी दो ऑफिसेज हैं, उसका एक स्विच एक लोकेशन में है, दूसरा स्विच दूसरी लोकेशन में है। तो ये भी सर्विस प्रोवाइडर से क्या करेगा, एक सर्विस लेगा अपने लेयर टू नेटवर्क को मर्ज करने के लिए। तो इसने भी एक लाइन ले ली सर्विस प्रोवाइडर से, तो वो भी क्या करेगा, अपने इन दोनों पोर्ट को क्या बना लेगा, ट्रंक पोर्ट बना लेगा। और इन ट्रंक पोर्ट पे नेटिव वीलैन के लिए ये भी क्या परफॉर्म करेगा, टैगिंग। और ये सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, इस कंपनी के लिए इसको भी एक वीलैन प्रोवाइड करवा देगा। तो इसका ये पोर्ट ऐड करवा दिया, लेट्स सपोज वीलैन 150 में, और ये वाला पोर्ट ऐड करवा दिया वीलैन 150 में, हो जाएगा कम्युनिकेशन इनका भी। तो आपको सर्विस प्रोवाइडर से सर्विसेज लेनी पड़ेगी, और यही क्या है आपका क्यू इन क्यू टनलिंग। तो एक्चुअली यहां पे टैगिंग के थ्रू क्या हो रही है, टनल बन रही है तुम्हारी। एक तो क्यू इन क्यू टनलिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने दो ऑफिसेज को मर्ज करवा सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है दो ऑफिसेज का, जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है अगर उनको आपने मर्ज करवाना है, उसके लिए आपका VPLS यूज होता है, उसके लिए आपका इथरनेट ओवर MPLS भी एक टेक्नोलॉजी है, वो भी आप यूज कर सकते हो, VPLS भी आप यूज कर सकते हो, क्यू इन क्यू टनलिंग भी आप यूज कर सकते हो। ये जो दो टॉपिक है ये है सर्विस प्रोवाइडर के, इवन ये टॉपिक भी आपका सर्विस प्रोवाइडर का ही है, बट हमारा हाँ CCI RNS में इसका इंट्रोडक्शन था, इवन इसका प्रैक्टिकल भी हम लोग परफॉर्म करके देख लेंगे। बात आ गई समझ में? अरे जैसे क्यू इन क्यू टनलिंग यूज होती है, सेम यूज इन दो प्रोटोकॉल का है। क्यू इन क्यू टनलिंग के लिए कौन बनाएगा, बट जो सर्विस प्रोवाइडर का काम है वो तो सर्विस प्रोवाइडर का ही रहेगा। आप तो यहां पे कॉन्फ़िगरेशन करोगे, आपने तो कुछ नहीं करना, टनल तो यही बनेगी, तो कौन करेगा, वो जो सर्विस प्रोवाइडर पे वर्क करेगा जो भाई, ठीक है। आगे बात समझ में? ओके, प्रैक्टिकल देख लेते हैं इसका, इसको प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करके देखेंगे वो बात कर लेते हैं। मैं यहां पे चार स्विचेस कनेक्ट करूंगा, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 एंड स्विच 4, चार स्विचेस कनेक्ट कर लेंगे। ये 4 स्विचेस है मेरे पास में, मान लेंगे ये जो लास्ट वाले जो फर्स्ट और लास्ट स्विचेस हैं, आपका स्विच 1 है ये, एंड ये है हमारे पास में स्विच 4। ये तो है हमारे वो दो ऑफिसेस के स्विचेस, और एंड जो आपका स्विच 2 है एंड जो स्विच 3 है, ये है हमारे सर्विस प्रोवाइडर के स्विचेस। इन दोनों को क्या मान लेते हैं, ये कौन है,
सर्विस प्रोवाइडर है ये हमारा, ये सर्विस प्रोवाइडर के स्विचेज हैं। ठीक, और ये पोर्ट आपका ट्रंक पोर्ट बनेगा, और यहां पे सभी ट्रंक पोर्ट पे जो इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल होगा वो क्या रहेगा, तो ये यहां पे दोनों पोर्ट तुम्हारे ट्रंक पोर्ट रहेंगे। ये पोर्ट को भी हम लोग क्या बना लेंगे, ये पोर्ट भी आपका ट्रंक रहेगा, और ये पोर्ट भी आपका क्या रहेगा, ट्रंक। और इस वाले पोर्ट को एक वीलैन का मेंबर बनेंगे, जो मेंबर बनाएंगे जो हमें सर्विस प्रोवाइडर वीलैन प्रोवाइड करवाएगा। लेट सपोज हमें वीलैन प्रोवाइड कौन सा करवा दिया, वीलैन 100, और ये वाला पोर्ट भी वीलैन फिर किसका मेंबर रहेगा, 100 का, और ये हमारे पोर्ट क्या रहेंगे, एक्सेस पोर्ट। क्लियर, तो पहले ये टोपोलॉजी डिजाइन कर लेते हैं, देन इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर भी तो आपस में कनेक्टेड होते हैं, और जो भी आप लाइन लोगे ना, जो भी आप लाइन लोगे, जो आपका लोकल जो सर्विस प्रोवाइडर होगा, वो जो दूसरी लोकेशन में सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो भी आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं तुम्हारे। और अब स्विचेस के थ्रू नहीं कनेक्टेड होते हैं, ये साइड टू साइड कम्युनिकेशन होता है तुम्हारा। वहां पे और भी टेक्नोलॉजी चल रही है, कौन सी, मैंने जो अभी आपको पहले और बताई, VPLS है हमारे पास में, और आपका EOMPLS है, वो भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है दो ऑफिसेस को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, क्या तो ये है तो सही, लेयर टू डिवाइसेस रखे हुए हैं सर्विस प्रोवाइडर ने उस केस में। इस केस में ये सर्विस प्रोवाइडर ने क्या रखे हुए हैं, लेयर टू डिवाइस। इवन राउटर भी है तो राउटर को भी हम लोग L2 डिवाइस की तरह वर्क करवा सकते हैं। यहां पे सर्विस प्रोवाइडर ने रखे होते हैं मल्टी लेयर स्विचेस, 4500 सीरीज के स्विचेस, 6500 सीरीज के स्विचेस। ठीक है, जहां पे 1000 नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं उनपे। ठीक है, उन्हीं से राउटिंग परफॉर्म करवाते हैं, उन्हीं से लेयर टू ट्रैफिक कैरी करवाते हैं। उनपे मत जाओ, यहां पे आ जाओ। ओके, तो पहले मैं ये टोपोलॉजी डिजाइन कर लेता हूं। स्विच वन एंड टू मैंने एक्सेस किया हुआ है ऑलरेडी, इस पर कुछ कॉन्फिगर तो नहीं किया था क्या हमने, हैं? ठीक है, स्विच वन है मेरे पास में, शो इंटरफेसेस ट्रंक, कोई ट्रंक पोर्ट नहीं है। पोर्ट नंबर कौन सा चाहिए मुझे यहां पे, अब पोर्ट नंबर कौन से यूज करेंगे वो देख लो। स्विच वन, बिटवीन स्विच वन एंड टू वी विल यूज पोर्ट नंबर 21, बिटवीन स्विच टू एंड स्विच थ्री 0/24, ठीक है ना, एंड स्विच थ्री एंड स्विच फोर 22। तो ये पोर्ट नंबर मैं यूज करूंगा यहां पे। तो स्विच वन पे चलो, स्विच वन के पोर्ट नंबर 0/21 पे चलोगे आप। पहले मैं 21 पे जाके ना स्विच पोर्ट सिक्योरिटी वाली कमांड नो कर दी थी क्या मैंने, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 पोर्ट पे जाओगे, स्विच पोर्ट नो शटडाउन कर देते हैं पहले इसको, एंड स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, पहले स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1 क्यू स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। क्लियर है इतनी चीज। इसके अलावा एक और काम करेंगे यहां पे, इसके ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाओ, स्विच पोर्ट सॉरी वीलैन वीलैन .1Q टैग नेटिव, नेटिव वीलैन के लिए क्या परफॉर्म करे, टैगिंग परफॉर्म करे। ये स्विच क्या बन चुका, इस स्विच का ये जो पोर्ट है वो क्या बन चुका है, ट्रंक पोर्ट। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? अब चलते हैं स्विच टू पे, स्विच टू का एक पोर्ट कौन सा, 21 पोर्ट, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, नॉट ए स्विच पोर्ट, स्विच पोर्ट कमांड चलाओ पहले तो यहां पे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, पोर्ट क्या बन गया आपका, एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन
100 का मेंबर बनाना था हमने इसको, ठीक है? क्या बोल रहे हैं? इनएक्टिव क्यों दिखा रही है? क्या क्या किया हुआ हमने यहाँ पे? इंटरफेस फास्ट इथरनेट, सॉरी आई थिंक यहाँ पे विलन नहीं बना होगा, शो विलन ब्रीफ, क्लाइंट मोड स्विच बंद रखा होगा और यहाँ पे कोई विलन तो बना हुआ है। शो वीटीपी स्टेटस, इंटरफेस फास्ट इथरनेट, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 स्विच पोर्ट। एक बार मैं इसको शट करता हूँ, देन नो शट डाउन, शो विलन ब्रीफ, शो इंटरफेसेस, ट्रंक तो बना नहीं रखा, शो इंटरफेस, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 एंड से स्विच पोर्ट। अभी ओके है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेस पोर्ट बना हुआ है एंड शो VLAN ब्रीफ। ये VLAN किसका मेंबर बना हुआ है? 100 का मेंबर बना हुआ है, ठीक है? अब चलेंगे हम लोग किस पे, इवन यहाँ पे स्विच वन पे ना नेटी विलन मिसमैच का कुछ एरर देगा, वो कौन दे रहा है? वो सीडीपी दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब पोर्ट आपका एरर डिसेबल में या फिर इनकंसिस्टेंट स्टेट में नहीं जाएगा आपका पोर्ट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो देने तो एरर देता है। तो मैं चलता हूँ स्विच टू पे और स्विच टू का पोर्ट नंबर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/24 स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन इज .1Q स्विच पोर्ट मोड इज ट्रंक, ट्रंक पोर्ट बना दिया इसको। और उसके बाद में एक और कमांड चलाएंगे हम लोग यहाँ पे, क्या स्विच VLAN .1Q टैग नेटिव, ये नेटिव VLAN के लिए टैगिंग परफॉर्म करें। और इस इंटरफेस को भी नो शट करना पड़ेगा, आई थिंक नो शट डाउन नहीं किया हुआ इसको हमने, से नो शट डाउन। स्विच 2 की कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, स्विच 3 पे आ जाओ, स्विच 3 क्लियर लाइन 39, स्विच 3 क्लियर लाइन 39, स्विच 3 होस्ट नेम इज स्विच 3, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/24 स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1Q स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ट्रंक ही बनाना था ये हमने। और क्या करना था? एग्जिट करो स्विच, क्या बोलना था? VLAN .1Q टैग नेटिव, नेटिव VLAN के लिए क्या परफॉर्म करे? टैगिंग। और पोर्ट नंबर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/22 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 100 को एक्सेस कर ले ये वाला पोर्ट आपका, शो VLAN ब्रीफ। पोर्ट नंबर 22, ठीक है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/22 एक बार मैं शट कर लेता हूँ और फिर से मैं नो शट डाउन कर लेता हूँ एक बार, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/22 एंड से स्विच पोर्ट। एक बार मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, पोर्ट आपका ओके है, शो VLAN ब्रीफ में आपको ये दिखा देगा पोर्ट नंबर इज विच पोर्ट 22 इज मेंबर ऑफ विच VLAN, VLAN 100, ठीक है। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया कॉन्फ़िगरेशन, अब चलेंगे हम लोग किस पे, स्विच 4 पे। स्विच 4 क्लियर लाइन 40, स्विच 4 क्लियर लाइन 40, स्विच 4 होस्ट नेम इज स्विच 4, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/22 स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन इज .1Q स्विच पोर्ट मोड इज ट्रंक। फिर एक और काम करना था, VLAN .1Q टैग नेटिव VLAN के लिए क्या परफॉर्म करिए? टैगिंग परफॉर्म करे। ये होगी हमारी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग बात करेंगे क्यू इन क्यू टनलिंग की कमांड्स ऐड करनी है हमने, किसकी कमांड ऐड करेंगे हम लोग? क्यू इन क्यू टनलिंग। अब देखो जो सर्विस प्रोवाइडर का जो स्विच है वो क्या कर रहा है? वो एक टैग ऐड कर रहा है। सर्विस प्रोवाइडर का जो स्विच है वो क्या ऐड कर रहा है? एक एक्स्ट्रा टैग ऐड कर रहा है ना। तो अब ट्रंक पोर्ट पे जो फ्रेम जाएगा, फ्रेम का मैक्सिमम साइज बाय डिफॉल्ट कितना होता है? 1500 बाइट का होता है।
अब एक एक्स्ट्रा ओ टैग लगेगा तो फ्रेम का साइज क्या हो जाना चाहिए, 1500 बाइट का अगर फ्रेम रिसीव हो रहा है और आप ये ड्यूल टैग ऐड हो रहा है ना, एक दूसरा टैग ऐड और हो रहा है सर्विस प्रोवाइडर पे, तो फ्रेम का साइज तो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, 1504 बाइट का हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले स्विच टू पे इसको, इसका एमटीयू साइज क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा सिस्टम एमटीयू, कितना कर देता हूं मैं, 1504। तो जितने भी पोर्ट्स हैं उनका एमटीयू साइज कितना हो जाएगा, 1504 बाइट का हो जाएगा, जरूरी है ये करना, नहीं तो ड्यूल टैग ऐड होगा, 1500 नॉर्मल होता है, एक और टैग ऐड हो जाएगा तो 1504, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे नॉर्मल पोर्ट्स का जो इथरनेट है, जो फास्ट इथरनेट पोर्ट है, उनका एमटीयू साइज चेंज होगा। अगर आप चाहते हो कि मैंने एमटीयू साइज चेंज करना है किस किसका, जो गिग पोर्ट है उनका नहीं होगा, इस कमांड से गिग पोर्ट का एमटीयू साइज चेंज करना है तो एमटीयू सिस्टम एमटीयू ये वाली कमांड चलेगी, जो गिग पोर्ट का अगर आपने एमटीयू साइज चेंज करना है, ये ग्लोबल कौन ग्लोबल कमांड है सभी पोर्ट का एमटीयू साइज चेंज करने के लिए। दिखाऊं, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/24 पोर्ट का, कहां है, दिखाई दे रहा आप लोगों को, कहां है, ठीक है। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में ये कमांड चलेगी तुम्हारी। देन इसके बाद में हमने क्या करना है, स्विच का पोर्ट नंबर जो कस्टमर से कनेक्टेड है, कौन सा, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 पोर्ट पे जाके आपको इसको डॉट वन क्यू टनलिंग को सपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए कमांड चलेगी स्विच पोर्ट मोड डॉट वन क्यू टनल, सेम कमांड आपकी वर्क करेगी, सेम कमांड आप रन करोगे स्विच थ्री के किस पोर्ट पे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट जो कस्टमर से कनेक्टेड है, कौन सी कमांड, स्विच पोर्ट मोड डॉट वन क्यू टनल, यह कमांड आपको रन करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे ये कमांड आप रन करोगे, इस कमांड के रन करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, अब इस पोर्ट से आपको कौन कौन सा ट्रैफिक कैरी करवाना है, जो कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक है मेरा, सीडीपी के मैसेजेस कैरी करवाने हैं, सीडीपी के मैसेजेस कैरी करवाने हैं क्या, तो लेयर टू टनल प्रोटोकॉल, लेयर टू प्रोटोकॉल टनल कौन से मैसेज कैरी करवाने हैं, सीडीपी के लेयर टू प्रोटोकॉल टनल के थ्रू मैंने STP के मैसेजेस कैरी करवाने हैं, मैंने LLDP के मैसेजेस कैरी करवाने हैं, मैंने VTP के मैसेजेस को कैरी करवाना है, और बहुत है इतने, डू शो हिस्ट्री, ये कमांड यहां से उठा लो, और सेम कमांड कहां पे एग्जीक्यूट करोगे, स्विच 3 के 22 पोर्ट पे, बस इतना काम करना है हमने, और कुछ नहीं करना, और ये टैगिंग परफॉर्म करनी स्टार्ट कर देगा। चेक करें, स्विच वन पे गया, शो सीडीपी नेबर, वाओ ये तो नहीं दिखा रहा, शो सीडीपी नेबर, ये तो दिखा रहे हैं, स्विच फोर से कौन कौन से पोर्ट कनेक्टेड है, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/19 to 21, फास्ट इथरनेट 1/0/23 to 24, ये पोर्ट शट डाउन करने हैं मैंने, अरे पोर्ट तो नहीं चाहिए ना मुझे, एक ही 22 पोर्ट चाहिए था मुझे स्विच 3 पे 4 पे, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/ कौन सा पोर्ट 19 to 21, फास्ट इथरनेट 1/0/23 पोर्ट को क्या करना है, शट डाउन, और किस पे, स्विच 2 पे, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/19 to मुझे 20 नहीं चाहिए, कोमा फास्ट इथरनेट 1/0/22 to मुझे 23 नहीं चाहिए पोर्ट, तो मैंने इस पोर्ट को, इन पोर्ट्स को क्या कर दिया, शट डाउन। अब मैं चलूंगा किस पे, स्विच वन पे, शो सीडीपी नेबर, वाओ नहीं दिखा रहा, नो शो इंटरफेस ट्रंक, इस वाले पोर्ट को मैंने ट्रंक पोर्ट बना लिया था क्या, डॉट वन क्यू के लिए मैंने टैगिंग परफॉर्म करवा दी थी क्या स्विच फोर पे, हैं पक्का,
64 पे डॉट वन क्यू के लिए मैंने टैगिंग परफॉर्म ट्रंक पोर्ट बना हुआ है तुम्हारा तो विलन ब्रीफ विलन 100 है यहाँ पे शो विलन ब्रीफ ये पोर्ट तुम्हारा 22 पोर्ट इसका मेंबर है तो इंटरफेसिस ट्रंक ट्रंक पोर्ट तुम्हारा बना हुआ है 100 कैरी करी है शो विलन ब्रीफ विलन 100 का मेंबर है तो इंटरफेसिस ट्रंक तो इंटरफेसिस ट्रंक ये पोर्ट आपका ट्रंक पोर्ट बना हुआ है 100 कैरी कर रहा है और शो इंटरफेसिस ट्रंक तुम्हारा ट्रंक बना हुआ है डॉट वन क्यू है शो सीडीपी नेवर नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए इंटरफेस रेंज फास्ट इतने 1/0/124 शटडाउन नहीं होना चाहिए ऐसा यार एक मिनट रुका है स्विच वन पे चलता हूँ शो रन इंटरफेस इथरनेट 1/0/24 पोर्ट पे मैं देख ले शो रन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/24 पोर्ट पे और इनकैप्सुलेशन गो टू वन क्यू तो रन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/22 स्विच पोर्ट इसको एक्सेस करें मोड ठीक तो है सब कुछ नो सीडीपी इनेबल स्विच पोर्ट पे चलो शो रन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 था ना एक ठीक है एक मिनट रुको मैं काम कर लेता हूँ स्विच वन को ना स्विच वन जो है हमारा क्या बना है शो वीटीपी स्टेटस इसका मोड क्या है ट्रांसपेरेंट है मैं इसको वीटीपी मोड क्या कर लेता हूँ सर्वर कर लिया मैंने शो वीटीपी स्टेटस एक मिनट रुको बस डोमेन नेम क्या है सर्वर है शो वीटीपी पासवर्ड कोई पासवर्ड कॉन्फिगर्ड है पासवर्ड इज नॉट कॉन्फिगर्ड मैं स्विच फोर पे चलूंगा शो वीटीपी स्टेटस इस पे डोमेन नेम ठीक है सर्वर है शो वीटीपी पासवर्ड कोई पासवर्ड कॉन्फिगर्ड नहीं है और मैं स्विच वन पे चलूंगा मैं एक विलन क्रिएट किया विलन 110 बस ये चेक कर लें दो इधर शो विलन ब्रीफ 110 आ रहा है तो नहीं आ रहा ना तो मेरा लेयर टू ट्रैफिक कैरी नहीं कर रहा है अभी फिलहाल जंबो फ्रेम वाली कमांड यहाँ पे दी थी मैंने वो एम टी साइज वाली कमांड स्विच थ्री पे चेंज करी थी मैंने नहीं करी ना सिस्टम एम टी यू सिस्टम एम टी यू रीलोड कर देता हूँ मैं एक बार स्विच को इसको भी मैं एक बार रीलोड कर रहा हूँ इस पर राइट कमांड चला दी थी ना मैंने स्विच वन एंड टू को भी मैं रीलोड कर देता हूँ और स्विच फोर को भी सॉरी राइट रीलोड
रीलोड होने दो, ठीक है।